अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम आखिर काफ़ी से एक मुझे कमेंट आई जा रहे थे बार बार कुछ लोगों के कि हमारे एक गेम लूप नहीं हो रहा, काफ़ी से गेम लूप मिलते था। हाँ, ये रहा, गेम लूप नहीं हो रहा, इंस्टॉल करते हैं तो एरर आ जाता है, 0xc0005 एरर आ जाता है। अब मैंने इतने कमेंट आए, मैंने कहा फिर आप लोग की मैं फ्रेंड्स बना ही दूँ वीडियो। आखिरकार मैं अभी लेके आ चुका आ गया हूँ वीडियो, आपको मैं बताता हूँ विंडोज 7 पे बताऊँगा। और ज़्यादातर विंडोज 7 पे मसला है, मैं देखा ना विंडोज 7 में मसला आया, विंडोज 10 में तो नहीं आया ना। मैं उसका फिर आपको मसला बताऊँगा किस तरह आपने वो सॉल्व करना है। और उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगा जिसको कैसे गेम को इंस्टॉल करना है। अब चले आए, चलते हैं विंडोज 7 में, चलते हैं फिर उधर जाके सॉल्व करते हैं इस मसले को। फ्रेंड्स एक फ्रेंड्स आ चुके हैं हम यहाँ पर, और आर का बटन दबाना है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये देखें, ये आ चुका है, इसको हमने कैसे करें, इधर MT MP टेम्प लिख देना, उसके बाद ये देखें आ जाएगा इधर कुछ। अभी हमारी फाइल्स कुछ काम की नहीं होती, ये वैसी होती हैं, कंप्यूटर अपने आप बना लेता है, इसको डिलीट कर देना चाहिए। वैसे ना फालतू है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल होगी ना वो तो बता देगा कंप्यूटर अपने आप ना, इस वजह से इसको डिलीट कर दें। ये एम स्पेस लेते रहते हैं ना, सर से मसला इनकी वजह से भी आ जाता है। देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, यस ये देखें कुछ नहीं हुई ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप कर देना आपने, ये इंपॉर्टेंट है, फिर कंप्यूटर भी आपका होगा ना, इस वजह से इनको स्किप कर देना, थोड़ी बहुत नहीं होगी। ये देखें आपकी निकल गई इतनी सारी फाइलें, अभी और भी फाइलें निकालनी है, शायद आपसे आपका इससे मसला सॉल्व हो जाए। इन फाइलों की वजह से भी होता है ना मसला, अगर ना हो मसला तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब हमने इधर टेम्प फिर से लिखना है, इस तरह ओके कर देना, और फिर एक और आएगी, इनको भी फाइलों को डिलीट कर देना। जैसे हाँ ये देखें, इनकी भी शायद होगी बीच में आएगी, हाँ ये देखें आएगी ना इंपॉर्टेंट फाइल, इसको भी स्किप कर देना। हाँ स्किप, चलो ये देखें निकल गई सारी फाइलें, चलो आखिरकार निकल गई। अब हमने चलो ये अब लिखना है, इसके लिख के एक आएगा फोल्डर, उसके अंदर भी यही काम करने हैं हमने फ्रेंड्स। ये देखें कंटिन्यू करना है, हाँ इनको भी डिलीट करना है मेरे ख्याल से ना, हाँ इनको भी डिलीट करना है, हाँ याद है इनको भी डिलीट करना है। देखना ये भी फाइल्स वही थी, ये सारी हो गई, शायद ये कंटेंट नहीं थी ना, इस वजह से कंप्यूटर ने मना कर देना था। अब आपने इधर जान दीजिएगा आगे, अब इधर जाना है, इधर आपने लिखना है 100 रुपये आपके पास होगा शायद, मेरे ख्याल से होगा, मेरे पास है ना, इस वजह से ये दे 100 रुपये से आपको पता चल सकता है कि आपके अंदर कितनी 64 बिट की विंडो है, प्रो है कितनी विंडो है, मतलब 32 बिट की। अगर आपके पास 64 बिट की विंडो है तो आप 64 बिट की बस साइट करें, मतलब कोई ऐप करें एप्लीकेशन, क्योंकि ये गेम लुक 64 बिट का है। अगर आपके पास 32 बिट की विंडो है तो इसको 32 बिट वाला करें गेम लुक, वरना ये ना करें 64, वरना ये मसला हो जाता है, इस वजह से इंस्टॉल नहीं होता। आप ये देखें इसके अंदर आपको बताया गया आपका विंडो 7 बताई गई है, उधर मैंने काल नहीं पाया था ना, चली का इधर भी विंडो 10 का भी वही है, 7 का भी वही है, मैं सब बता नहीं पाया था आपको ना फ्रेंड्स, इस वजह से मैं आपको इधर खोल के दिखाती है। उधर बस ऐसे लिखना है, उधर का मैसेज थोड़ा सीन ना ख़राब हो गया था, इस वजह से मैंने ना वो फिर मैंने आपको विंडो 10 में अब ये दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का आपको पता चल जाएगा। आपको ये तो दिखा दिया, अब आपने अपने कंट्रोल पैनल में आना है, और ये फंक्शंस एंड फीचर्स, इसको टर्न ऑफ है ना, इसको ऑन करना है आपने, टर्न ऑफ है ना, ऑफ कर सकते हैं इसको, विंडो फीचर्स मतलब इसको आपने ऑन करके रखना है, ये फिर ऑन करना, गेम्स में नहीं करना इसको, अपने माइक्रोस्कोप नेट पे फ्रेमवर्क में करना है इसको, टिक इस पे करना है और ओके कर देना। अब बस इधर हो गया हमारा ये काम, अब इधर कमांड आपने जाना है, इधर कमांड में उधर आपका आपने रसायन एडिशन करना है, मैंने आपको दिखाना भी किया, इसमें आपने अभी कुछ लिखना है CHKDSK, ये आपने लिखना है, एंटर मार देना है। ये देखें अपने आप बाकी सॉफ्टवेयर होगा ये, इन सब प्रोसेस के बाद ये भी करना है। अगर आपका इस तरह का सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ये देखें ये कंप्लीट, जब नीचे सक्सेसफुल आ जाएगा ना
नीचे सक्सेसफुल आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपका सक्सेसफुल आ भी जाता है, आप ये गेम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, वो इंस्टॉल हो जाती है तो आपका मसला हो गया। सक्सेसफुल आए या ना आए आप इंस्टॉल करके देखें ना, फिर आपके हो गए तो हो गया आपका मसला सॉल्व। तो अगर ना हुई तो आपका विंडो का मसला है, तो आपको विंडो नहीं करनी पड़ेगी, इसमें और कुछ नहीं है, विंडो करनी पड़ेगी और उसमें और कुछ नहीं कर सकते हम। आप नई विंडो करें, बस आप नई विंडो करें। विंडो 7 करनी है तो 64 बिट की कर रहे हैं, ये भी है ना, ये भी है विंडो 10 कर लें अपने पीसी में, जो करनी कर लें इस वजह से ना। ये फिर आपका 64 बिट की करनी है, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन 64 बिट की होती हैं, सिर्फ ऐसा आपने 64 बिट की करनी है। अगर आपको विंडो नहीं करनी आती तो मुझे कमेंट बताइएगा, तो मैं वो भी सिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। अब उम्मीद है आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके ये हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो, तो मैं इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, स्नैक वीडियो फॉलो कर लें और टिकटॉक भी फॉलो कर लें। वेबसाइट मैं इस तरह की लेके आता है, तो गेम लूप वगैरह इस तरह की वो लेके आऊँगा मैं इंशाल्लाह। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को लाइक कर दें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।